हेलो गैज, आज आप लोगों के लिए, खास करके क्लास 12 के लिए और 11th, ये दोनों के लिए वर्ड पावर की आवश्यकता होती है। ये कमर्शियल वर्ड पावर जो होता है, जब तक बच्चे में आपका वर्ड पावर नहीं आएगा, कमर्शियल वर्ड पावर नहीं आ पाएगा, तब तक वह सही ढंग से सवाल को समझ नहीं सकता है। इसीलिए हम 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए जो है वर्ड पावर हम लोग जो पार्ट बाय पार्ट बनाए हैं, पार्ट वन हम दे चुके हैं, पार्ट टू भी बनाए हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान से क्या करना है, सुनना भी है और देखना भी है। 10 वर्ड पावर हम लोग पुनः लिखेंगे, जिसको आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, जो आपको सवाल को समझने में, बनाने में और ज़्यादा आपको कम्फर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो आइए आपको हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरूर इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको माने कमेंट भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर वन में हम लोग लिखते हैं, ये नंबर वन में आपका जो है, ये आपका कैपिटल है, CAPITAL, कैपिटल। कैपिटल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। जब ये कोई बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। इसीलिए ये कैपिटल मीन्स आपका क्या हुआ, आपका हो गया पूंजी। आइए दूसरा वर्ड पावर जो हम लोग लिखते हैं, ये होता है ड्रॉइंग्स, है ना, DRAWINGS, ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स का मतलब होता है आर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएम कहते हैं। इसका दूसरा मीनिंग होता है निकासी, निकासी पुनः इसको हम लोग और कहते हैं क्या चीज, निकासी, इसको निजी खर्च, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निजी खर्च, निजी खर्च, या इसको बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत खर्च, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत खर्च, या व्यक्तिगत खर्च। उसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं घरेलू, घरेलू खर्च, घरेलू खर्च। इतना नामों से ये क्या कहता है, जाना जाता है। ड्राइंग्स में ये होता है, आरन होता है, या निकासी होता है, या निजी खर्च होता है, या व्यक्तिगत खर्च होता है, या घरेलू खर्च होता है। इतना में से कहीं भी रहेगा तो इसके बदले में हम लोग ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझ बात को ना, अच्छा। उसके बाद और आगे हम लोग आते हैं, ये अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, अमाउंट मीन्स होता है रकम, ये रकम, या हम लोग लिखते हैं राशि, रकम या कहते हैं इसको राशि। जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस को प्रारंभ करते हैं, जैसे कैपिटल आते हैं, तो 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख से हम लोग बिजनेस को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जब बिजनेस को हम लोग प्रारंभ करते हैं तो उसमें कैपिटल की आवश्यकता होती है। जो 2 लाख 4 लाख रुपया जो कैपिटल हम लोग नाम सुन रहे हैं, वही आपका होता है अमाउंट, जिसको हम लोग रकम या राशि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए ये गुड्स, ये GOODS, ये गुड्स, गुड्स का हिंदी होता है माल, माल या चीज, या आपका होता है वस्तु, या क्या होता है, ये वस्तु होता है, ठीक है। ये गुड्स जो होता है आपको दो प्रकार की होती है, कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की गुड्स होती है, ठीक है। इसमें आपका 5वां है, जिसमें एक गुड्स का नाम है परचेजेज, PURCHASES, परचेजेज। इसका मतलब होता है खरीदी गई वस्तु, हो गया खरीदी, खरीदी गई, खरीदी गई आपका हो गया वस्तु, खरीदी गई या आपका हो गया वस्तु। दूसरा आपका होता है सेल्स, दूसरा होता है आपका सेल्स, है ना, SALES, सेल्स। यह सेल्स का मतलब होता है बेची गई वस्तु, ये आपका हो गया बेची गई, बेची गई आपका हो गया वस्तु, बेची गई आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया, खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु। गुड्स आपका 2 टाइप का होता है, गुड्स का 2 प्रकार होता है, इसमें एक आपका हो गया परचेज, जो खरीदी गई वस्तु होता है, और दूसरा होता है सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेची गई वस्तु कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में आपका जो है 7 में चलते हैं। ये 7 में आपका जो दिया है डिप्रिसिएशन, यह DEPRECIATION,
डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, यह ह्रास। अब ह्रास तुम लोग जानते हैं, ह्रास क्या है, संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है उसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रास। संपत्ति के मूल्य में हुई कमी, संपत्ति, ये संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य, संपत्ति के मूल्य, संपत्ति के मूल्य में हुई कमी, हुई कमी, संपत्ति के मूल्य में जो हुई कमी है उसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। बात समझ में आ रही है, समझ रहे बात को ना। उसके बाद आपका हो गया एप्रिसिएशन, ना एप्रिसिएशन, ए डबल पी आर ई सी आई ए टी आई ओ एन, एप्रिसिएशन मीन्स होता है मूल्य वृद्धि। ये आपका हो गया मूल्य, मूल्य आपका क्या हुआ, वृद्धि, मूल्य वृद्धि। संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि कहते हैं। बात समझ में आ रही है बात को। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं, ये आगे आपका जो दिया है नौ, नौ को देख लिया जाए। नौ में क्या हम लोग लिखते हैं, नौ में है आपका बैड डेब्ट्स, आपका दिया बैड, बी ए डी बैड डेब्ट्स, डी ई बी टी एस, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, अप्राप्य, अप्राप्त, अप्राप्य, अप्राप्य, इसी को हम लोग कहते हैं निकृष्ट ऋण, क्या कहते हैं, निकृष्ट, निकृष्ट ऋण, निकृष्ट ऋण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डूबत ऋण, क्या नाम है, डूबत, डूबत ऋण कहते हैं, डूबत ऋण। ये होता क्या है, ये होता क्या है कि जो धन डूब जाता है, जो धन, जो धन डूब जाता है, डूब जाता है, जो धन डूब जाता है, जो धन डूब जाता है, और भविष्य में, भविष्य, भविष्य में, भविष्य में मिलने की संभावना नहीं रहती है, मिलने की, मिलने की संभावना, संभावना, मिलने की संभावना नहीं रहती है, नहीं रहती है, नहीं रहती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। समझ में आ रही ना, बैलेंस क्या हुआ, बैलेंस का मतलब अप्राप्य ऋण या निकृष्ट ऋण, या उसको बोलते हैं डूबत ऋण, जो धन डूब जाता है और भविष्य में मिलने की संभावना नहीं रहती है, उसी का नाम होता है क्या, बैड डेब्ट्स। ठीक है, और आगे आते हैं हम लोग, आगे आप देखिए, ये आपका दिया है डेबिट, डी ई बी आई टी, डेबिट माने होता है आपका नाम, ठीक है, निकालना, जो हम लोग निकालते हैं तो डेबिट करते हैं। उसके बाद 11 में आपका होता है क्रेडिट, है ना, सी आर ई डी आई टी, क्रेडिट माने आपका होता है क्या, जमा, एक माने आपका क्या हो गया, जमा हुआ। उसके बाद आपका हो गया डिपोजिट, है ना, डी ई पी ओ एस आई टी ई, डिपोजिट माने भी आपका क्या होता है, जमा। उसके बाद आपका होता है डिपोजिट के बाद आपका होता है नरेशन, नरेशन एन ए डबल आर ए टी आई ओ एन। देखिए नरेशन का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, नरेशन का यहाँ मतलब होता है विस्तार, यह विस्तार, या इसको हम लोग ब्योरा कहते हैं, इसको ब्योरा, डिटेल, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, इतना नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ये आपका हो गया नरेशन, ये आपका हो गया 14 में, 14 में जो आपका हो गया, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये पी ए आर टी आई सी यू एल ए आर एस, ये पार्टिकुलर्स हुआ, ये पार्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण, विवरण, पार्टिकुलर मतलब होता है विवरण। और इसी में अगर हम लोग पार्टिकुलर ले देते हैं, है ना, पी ए आर टी आई सी यू एल ए आर, पार्टिकुलर, इसका मतलब होता है खास, ये हो गया खास, पार्टिकुलर मैंने क्या, खास या विशिष्ट, इसको दे सकते हैं, या विशिष्ट, विशिष्ट, खास या विशिष्ट, ये तो दे सकते हैं। यही आपका जो 15 मीनिंग है, ये आप लोग के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, तो इसको हमेशा क्या कीजिए कि इसको याद कीजिए, और याद करके अपना जो जीवन है उस जीवन में क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ये क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वर्ड पावर है।